नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों आज हम जिस सरकारी नौकरी की बात करेंगे वो आई है हर्ट्रॉन के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के 248 पोस्ट हैं और इसे 10वीं पास, 12वीं पास और डिप्लोमा पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसके फॉर्म फिलअप को भर के दिखलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको मैं इसका फॉर्म फिलअप भी दिखला देता हूँ वीडियो के अंत में। दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि हर्ट्रॉन। एम्प्लॉयमेंट टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, जॉब लोकेशन है हरियाणा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 248 और पोस्ट का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएँ। तो दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें हमें सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों अगर आगे बढ़ें और इसके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पर 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 50% मार्क्स के साथ पास किया है, या फिर ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास होना चाहिए ओ लेवल या फिर 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट। साथ ही यहाँ पर डिप्लोमा किसी भी स्ट्रीम के लोग अप्लाई कर सकते हैं, BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस IT वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 50% मार्क्स से पास किया है, साथ ही जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक 1 ईयर ITI कोर्स किया है स्टीनोग्राफी NCVT इन स्टीनोग्राफी में 60% मार्क्स के साथ, वही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आगे बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर डेटा पंचिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशंस पर आवर, या फिर बोले तो 133 की डिप्रेशंस पर मिनट। दोस्तों यहाँ पर अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की गई है और यहाँ पर आपको पे स्केल मिलेगी 13,500 रुपीज़। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट पर। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली हमारे वेबसाइट पर चला आना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पर आइए, इस वैकेंसी से रिगार्डिंग सारे डिटेल्स को पढ़िए, उसके बाद ही अप्लाई करिए। चलिए मैं बता दूँ आपको कि कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट है 14 मार्च 2018 और इसको अप्लाई करने के लिए आपको जाना है हमारे वेबसाइट के पेज के लास्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं अपने डिवाइस के स्क्रीन में, यहाँ पर जो पहली लिंक है वो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। इसको डाउनलोड करके आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। सेकंड लिंक पे क्लिक करके आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और थर्ड लिंक है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। चलिए मैं सेकंड लिंक पे क्लिक करके आपको इसके ऑफिशियल फॉर्म को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, चलिए खोल लेते हैं। और दोस्तों ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, इसे आपको प्रिंट आउट करवा लेना है और इसे अच्छे से फिलअप करके हमारे वेबसाइट पर दिए हुए एड्रेस पे दोस्तों इस एड्रेस पे भेज देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अगर अभी भी कोई डाउट बचा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। दोस्तों बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप नए मेहमान हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी और उसके फॉर्म फिलअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।